घमंडी शेरनी। एक जंगल था, उसमें एक शेर और शेरनी रहती थी। वो जंगल का राजा था और शेरनी उस जंगल की रानी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों के भी दो बच्चे थे, परंतु दोनों का स्वभाव बड़ा अलग था। शेर एकदम शांत और विनम्र था। जंगल में हर कोई शेर का बहुत सम्मान करता था। अगर जंगल में कोई भी लड़ाई हो जाती तो शेर उसका समाधान निकाल दिया करता था। जंगल में हर कोई शेर का बहुत सम्मान करता था। अगर जंगल में कोई भी लड़ाई हो जाती तो शेर उसका समाधान निकाल दिया करता था। दूसरी तरफ शेरनी ऐसी नहीं थी। उसको अपनी ताकत का बहुत अभिमान था। वो रानी बनकर बड़ा घमंड करती थी। वो उस जंगल में हर किसी को अपने से छोटा मानती थी। और तो और वो अपने बच्चों को भी जंगल में किसी के साथ भी खेलने नहीं देती थी। जब भी वो जंगल में जाती तो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, बल्कि मुंह दूसरी तरफ करके सामने वाले को नीचा बताकर निकल जाती थी। जब कभी भी उसके बच्चे किसी जानवर के साथ खेलते हुए नजर आते तो वो बच्चों को अक्सर सबके सामने डांट दिया करती थी। बच्चों, मैंने मना किया है ना, जंगल में किसी जानवर के साथ नहीं खेलना। उनकी तुम्हारे साथ खेलने की औकात नहीं है। तुम समझते नहीं हो तुम्हारा स्तर क्या है। ये सुन के बच्चे और जानवर दुखी हो जाते थे। पर माँ, हम तो बस खेल रहे हैं, ये हमारा दोस्त है। एक बार में मैंने जो कहा वो समझ नहीं आता। चलो, किससे दोस्ती करनी है किससे नहीं, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? एक दिन की बात है, माँ और बच्चे दोनों खाना खा रहे थे। तभी अचानक पीछे से एक जहरीला सांप बच्चे को मारने के इरादे से आया। धीरे धीरे वो बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला, पर ऊपर आसमान में उड़ रहे एक गिद्ध ने उसे देख लिया। उसने उस सांप को मार डाला और उसने शेरनी के बच्चों की जान बचाई। पर शेरनी ने उसका शुक्रिया करने के बदले अपने बच्चों को लेकर वो वहां से चली गई। हाँ, चलो अंदर चलो, पता नहीं कैसे कैसे लोग आकर बैठ जाते हैं। इस बात से गिद्ध को बहुत बुरा लगा। एक बार माँ और बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे। माँ, कितना मजा आ रहा है। शेरनी खेलते खेलते थक गई और वो सो गई। बच्चे माँ को बिना बताए अकेले ही वहां से चले गए। जब शेरनी की आंख खुली तो उसने देखा कि बच्चे वहां नहीं थे। वो बहुत डर गई। अरे बच्चों, कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ बच्चों, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो मेरे पास आओ। उसने अपने बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश करी। वो बहुत घबरा गई थी, क्योंकि शेर भी जंगल में नहीं था। वो जंगल में अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उसने बंदर को देखा तो बंदर से पूछा, बंदर, क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा? बंदर बड़ा हैरान हुआ। ये शेरनी आज मुझसे कैसे बातें कर रही है? ये तो खुद को बड़ी नकचड़ी समझती है। आज क्या हुआ इसको? रानी जी, आप मुझसे बात कर रही हैं? आज से पहले जब भी मैं आपसे प्रणाम करता था तब तो आप अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर चली जाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि जरा पूछ लूं कि आप मुझी से बात कर रही हैं या किसी और से। ये सुनकर शेरनी को बहुत बुरा लगा। अपने व्यवहार पर उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और वो वहां से चुपचाप चली गई। मुझे माफ कर दीजिए। थोड़ी दूर आगे चलते उसे रास्ते में हाथी मिला। उसने घबराते घबराते हाथी से पूछा, हाथी जी, क्या आपने मेरे बच्चों को कहीं देखा? हाथी भी शेरनी के व्यवहार से काफी दुखी था। बड़े ही गुस्से में बोला, क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मैं तो पागल हाथी हूँ ना, आप तो मुझे हमेशा यही कहती हो, तो इस पागल हाथी से कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? शेरनी अब समझ गई थी कि उसका व्यवहार वाकई बहुत गलत था। वो वहां से बिना कुछ बोले चली गई। ऐसा कर सब शेरनी को कुछ ना कुछ बोलकर उसे ये एहसास दिला रहे थे कि वो कितने अहंकार में थी और दूसरों के साथ उसका व्यवहार कितना गलत था। यहाँ तक कि चूहे ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया। हम तो छोटे हैं, हमसे क्यों पूछ रही हो? हमारी तो औकात भी नहीं तुम्हारे बराबर खड़े होने की।
तो हमें कैसे पता होगा तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? ये सब सुनने के बाद शेरनी को अपनी भूल समझ में आ चुकी थी। उसने अपने अहंकार के लिए सबसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई हूँ कि मेरा व्यवहार कितना गलत था। मैं आज के बाद आप सबके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करूंगी। कृपया कर मुझे मेरे बच्चों को ढूंढने में मदद करें। मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सब जानवरों ने उसे माफ कर दिया और उसके बच्चों को ढूंढने में मदद करने लगे। कुछ ही देर बाद हाथी ने उनके बच्चों को एक पहाड़ पर खेलते हुए ढूंढ लिया। शेरनी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई और उसके बाद से वो खुशी खुशी हर किसी के साथ उस जंगल में रहने लगी। अब शेरनी का व्यवहार सबके साथ सामान्य था। तो देखा बच्चों, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। चूहा और सन्यासी। काफी समय पहले की बात है, एक वन में एक महर्षि वर्षों से रहते थे। हर रोज वे भगवान की पूजा अर्चना और तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन वो अपनी तपस्या में लीन थे। कि तभी अचानक आसमान से किसी चील की चोट से एक चूहा आकर महर्षि की गोद में गिर गया। आसमान से उड़ रहे पक्षी के प्रहार से चूहा घायल था। महर्षि को चूहे की हालत देखकर उस पर दया आ गई। इसकी हालत तो बहुत खराब है, मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए। महर्षि ने चूहे को दाना पानी खिलाकर उसे पालने पोसने लगे। महर्षि द्वारा किए गए उपकार और देखभाल से चूहा कुछ ही दिनों में हुष्ट पुष्ट हो गया। एक दिन न जाने कहां से एक बिल्ली की नजर उस चूहे पर पड़ गई। ये तो बड़ा तगड़ा चूहा है, इसको तो मैं खाऊंगी। अब बिल्ली चूहे को अपना भोजन बनाने की ताक में रहने लगी। एक दिन मौका देख बिल्ली चूहे को अपना भोजन बनाने के लिए उस पर झपटी, लेकिन किस्मत से चूहा बच निकला और भयभीत होकर महर्षि की गोद में आकर छुप गया। महर्षि को चूहे की ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ गई और महर्षि ने उसे बिल्ली बना दिया। अब चूहा बिल्ली बनकर बहुत खुश था। अब मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा? लेकिन बिल्ली बनकर भी उसकी खुशी ज्यादा दिन ना टिकी। कुछ ही दिनों में उस पर आसपास के कुत्तों की नजर पड़ गई। ये बिल्ली बहुत बनती है, इसको जरूर कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। अब वह पुनः पहले की तरह डर डर कर रहने लगी। एक दिन तीन कुत्तों ने उसे मौका देखकर दबोच लिया। किसी तरह बिल्ली बना वो चूहा फिर से अपनी जान बचाकर महर्षि की शरण में पहुंच गया और उसने अपनी पीड़ा महर्षि को बताई। आज कुछ कुत्तों ने मुझे घेर लिया था, वो तो अच्छा हुआ कि मैं बच गया, नहीं तो आज मेरी कहानी खत्म हो जाती। महर्षि ने सोचा, क्यों ना मैं इसे कुत्ता बना दूं, फिर तो इसकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। बस महर्षि के सोचने भर की देर थी, उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला, कुछ मंत्र पढ़े और बिल्ली पर डाल दिया। देखते ही देखते चूहा बिल्ली से कुत्ते में बदल गया। लेकिन कुत्ता बनने के बाद भी चूहे की समस्या वैसी की वैसी रही। अब उस पर जंगल के शेर की नजर पड़ गई। चूहे ने जाकर महर्षि से फिर प्रार्थना की। इस बार महर्षि ने चूहे को कुत्ते से सीधा बाघ बना दिया। इस तरह आखिरकार वो चूहा जंगल का शेर बन गया। लेकिन मुनि अब भी उसे चूहा समझकर ही प्यार करता था। आश्रम में महर्षि के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु अक्सर शेर को देखकर कहा करते थे, हे ये शेर है ना शेर, ये पहले चूहा हुआ करता था, लेकिन महर्षि ने इसे अपनी ताकत से शेर बना दिया। जो भी श्रद्धालु आश्रम में आते थे वो शेर को चूहे होने की बात जरूर कहते थे। लोगों की ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और वो लोगों की बातें सुनकर बहुत क्रोधित हो जाया करता था। एक दिन शेर ने सोचा, जब तक ये महर्षि जीवित रहेगा तब तक लोग मेरी सच्चाई जानकर मुझे चूहा ही समझते रहेंगे,
और मेरा असली रूप मानकर मुझे ऐसे ही अपमानित करते रहेंगे। क्यों ना मैं महर्षि को मार कर ये कहानी ही खत्म कर दूं। शेर के सोचने भर की देर थी कि महर्षि को उसके मन की बात पता चल गई। बस फिर क्या था, महर्षि ने उसे फिर से चूहा बना दिया और अपने आश्रम से भगा दिया। कहानी का तर्क ये था कि हम जिंदगी में चाहे कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, हमें खुद को कभी नहीं भूलना।